फील्डिंग का बहुत रोल है. कल प्रैक्टिस की तो शॉट्स जितने लगे फील्डर्स के पास पहुंच गए, तो बाउंड्री लगी नहीं. फील्डर्स का इसमें ज़्यादा रोल है. आजकल T20 वनडे का ज़माना है, वहाँ तो छक्के चौके लगते, यहाँ बड़ा मुश्किल है. मैं कल प्रैक्टिस करी तो शॉट लगे नहीं. नहीं, आपको मिला मौका कैच पकड़ने का स्लिप में या पॉइंट इसमें? नहीं, इसमें फील्डिंग सेट कर सकते हैं आप फील्डिंग लगा सकते हैं. तो उतना शतरंज के खिलाड़ी आप पीछे से ऑपरेट करिए, फील्डर तो नहीं बन सकते, पर बैटिंग बॉलिंग करें और फील्ड लगा सकते हैं, तो वो इसका एक बेनिफिट है. और जो फैंस हैं उनको मज़ा आएगा. एक हमने कल ट्राई किया, बहुत मज़ा आया. थोड़ा शुरू में टाइम लगा, 2-3 बॉल लगी समझने में, बट बाद में यू गेट यूज टू इट एंड इट्स ग्रेट फन. और फील्डिंग के बारे में बैज इज हियर टू नो. आई थिंक हम लोगों ने इतना पैसा कमा लिया, फील्डिंग बुढ़ापे में हम क्यों करें, बंदे रख लेंगे फील्डिंग करने के लिए. और ज़्यादा प्लेयर्स यहाँ रिटायर्ड हैं, तो क्यों इतनी आप ताकत करना, मतलब मेहनत करना चाह रहे हैं हमारे से? बच्चे जो पृथ्वी शॉ हैं और सुमन गिल हैं इसमें, तो उन्होंने काफ़ी, उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से. एंड बैज, नाउ बैज टॉक अबाउट द फील्डिंग. नो फील्डिंग, ही वांट्स टू नो अबाउट द फील्डिंग अबाउट इन दिस गेम. व्हाट यू थिंक अबाउट द फील्डर्स? डू यू थिंक योर रोल एज अ प्लेयर इन दिस गेम, जस्ट बैटिंग एंड बॉलिंग, व्हाट अबाउट फील्डिंग इज सेइंग? Well, at the moment, the fielders in the training, they just keep catching me out. So hopefully it comes down to actually, yes, you've got to simulate it as well in time. And I'm sure that's what these guys at IB Cricket are going to develop, a product which continues to grow and continues to become more and more like the real game. So at the moment, it's been great fun. We've had a really cool experience. It's also great to spend some time with these legends of the game as well, and to be able to bring you guys such an amazing product. Hopefully you'll all enjoy it.